सुजाता जो खीर दिया था बुद्ध भगवान का, ये मंदिर है, ये सुजाता रानी और ये बुद्ध भगवान। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस, मेरे चैनल पर स्वागत है। थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज कहाँ जा रहे हैं, तो इस लोकेशन के पास जाते हैं और पूरा कैप्चर करके दिखाते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहें, तो वीडियो में आगे जाते हैं गाइस, तो बताते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। रुको जरा, सबर करो। तो अभी रास्ते में हैं, देख सकते हो गाइस, तो अभी जा रहा हूँ। चारों तरफ से ये स्लीपिंग बुद्धा, करीब बोध गया से 3 किलोमीटर पड़ेगा, ये अम्मा क्रियामा के पास पड़ता है। और यहाँ आसपास दिखाते हूँ गाइस, इसका जो पैर जो है बहुत बड़ा बड़ा है, तो इस तरह का है। तो मेरे पीछे देख सकते हो और मैं पीछे तरफ दिखाता हूँ, ये स्लीपिंग बुद्धा बहुत बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है घूमने के लिए। तो पीछे से आगे से पूरा दिखाता हूँ। ये जो दिखा रहा हूँ पैर के निशान, और मैं तो आया हूँ, गाड़ी बुक है, गाड़ी जो है देख सकते हो वहाँ पर टेम्पो लगाया हुआ। तो ये जो लुक जो है बहुत अच्छा नज़र आता है, और देख सकते हो गाइस यहाँ पर कुछ फोटो लेंगे, दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा से दिखाता हूँ। ये पहला था, बहुत देर से आओगे तो 3 किलोमीटर पड़ेगा। इटाचू बहुत बढ़िया लगा देखने के लिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी दूसरा और तीसरा बाकी है, लेके जाती हूँ और उसको स्टोरी बताएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये बीच में निरंजना नदी पड़ेगा, और ये भीड़ भाड़ देख सकते हैं, यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। तो कुछ इस तरह के नज़ारा है, पानी लगा, और ये 2-3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रहा था तो नदी में पानी छोड़ा है, और देख सकते हो बहुत भीड़ है देखने के लिए। ये फर्स्ट टाइम है जो नदी में पानी हुआ निरंजना में, तो हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा देखने को, तापना है। तो अभी तो जाते समय ऐसा नज़र आ रहा है, और धीरे धीरे पानी मतलब आ रहा है, और यहाँ कोई मन है देख रहा है। आपसी में दिखाती हूँ, इसमें अभी तो नहीं है, आपसी में दिखाता हूँ पानी है कि नहीं है। फाइनली हम लोग पहुँच चुका है, और गाड़ी साइड करके लगाते हैं। ये है सुजाता महारानीगढ़। तो ये है गेट, अंदर की तरफ जाते हैं और घूम के बताते हैं, और ये कुछ कहानी टाइप की लिखा, और ये हिंदी में है। तो चारों तरफ ऐसा है, सुजाता जो एक महिला था उसका महल देख सकते हो इसमें है, जो मतलब चारों तरफ से पैकिंग है।
तो सुजाता महल, रानी रानी का महल नाम से जाना जाता है। तो दिखाते हैं गाइस, तो इस तरफ है और कुछ गार्डन बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ है, तो मैं पूरा घूम के दिखाती हूँ। और ये दूसरा है, और जो तीसरा लेके जा रहा हूँ आपको, तीसरा लेके जाऊँगा जहाँ पर बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त में लगाए थे सुजाता रानी, जब ये उपास तोड़वाए थे कुछ खीर वगैरह खिला के और पानी में नहा के, तब बोध गया आया था, तब ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सुजाता रानी का जो घर है, महल है, वो इस तरह का है, तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, तो देख सकते हैं मेरे पीछे। तो डिटेल आपको पड़ेगा यहाँ पे, ये नदी पार पड़ेगा, निरंजना नदी पार होके आना पड़ेगा, दोनों चीज़ देखेगा यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये ही मिलेगा, सुजाता का घर मिलेगा, महल मिलेगा। उसके बाद आप जाओगे यहीं आसपास, जो इस तरफ बस्ती नज़र आ रहा है वहीं पे सुजाता बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो उपास तोड़ा था, तो इस तरफ गांव पड़ता है, तो उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहें तो मैं पूरा डिटेल बताएंगे आपको। और नज़दीक से जाते हैं यहाँ पर कुछ पूजा करने के लिए, अगरबत्ती अगर लाते हो, धूप वगैरह लगाते हो तो यहाँ पर जला सकते हो। और यहाँ पर भी है कुछ माँ बनाया हुआ है, तो इस तरह का पूजा करने के लिए है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद चारों पट्टी घूमने का है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाता है, तो देखने में दिक्कत आता होगा। तो मैं जाता हूँ अगले तरफ, वहाँ पर पहुँच गए हैं। और यह से उपास तोड़ के गए थे बोध गया, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये मंदिर है, सुजाता मंदिर, जो आए थे खीर लेके बुद्ध भगवान, जो यहाँ पर साधना में बैठा हुआ था। अंदर की तरफ जाते हैं, तो पहले तस्वीर आपको यही नज़र आएगा, जैसी हिलेगा वैसे। तो ये जो था बुद्ध भवन का, जो बैठा हुआ था लिंग करके बैठा हुआ था सुजाता, जो खीर दिया था बुद्ध भवन का, ये मंदिर है, ये सुजाता रानी और ये बुद्ध भगवान। और यहाँ पर भी है बुद्ध भवन का, जो बोला गया था कि जब भी कुछ करोगी तो भूखल पेट नहीं रह सकते हो, तूने हमको खीर खिलाए थे, इसके लिए इसने हाथ जोड़ के नमन किया। फिर उसके बाद यहाँ से उठ के नहाने के बाद, निरंजना नदी आप मैंने पहले दिखाया है, उसके बाद नहाने के बाद यहाँ से गया बोध गया, बोध गया जाने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। और कुछ इस तरह के था, जब ज्ञान जब बैठा हुआ था पीपल के पेड़ के तरफ, तो कुछ इस तरह का मूर्ति मतलब बन गया था इसका, बुद्ध भगवान का। आप दोनों तरह देख सकते हो, रानी है और चारों तरफ देख सकते हो। और ये कुछ लिखा हुआ है, और ये देख सकते हो, ये कल्पना है, जोड़ के गए थे, पैर की निशानी है बुद्ध भगवान का। तो ये चारों तरफ देख सकते हैं गाइस। और ये तीन था वीडियो आपके लिए, तो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मैं चारों तरफ दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये सुजाता रानी का। और ये अलग अलग प्रकार का भाषा में लिखा हुआ है,
सब अलग अलग सप्त में कुछ इस तरह का। और यहाँ पर कुछ मोमबत्ती और जला सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। जो बुद्ध भगवान इतना साल तक तपस्या कर रहा था, और अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहीं से कहानी शुरू होता है। तो यह है चारों तरफ का नज़ारा जो मैंने लाए। वीडियो यहीं पे एंड होता है, जा रहा हूँ नीचे की तरफ। तो देख सकते हैं गाइस, अभी देखे गया था, पानी नहीं था, और अभी जस्ट मतलब पानी खोला है नीरदन नदी में, क्योंकि 3 दिन से मौसम खराब था। और ये है नीरदन नदी का नज़ारा। तो आते समय बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, देखने के लिए भी बहुत। बहुत तेजी से आ रहा है पानी, और नया पानी खुला तो देख सकते हैं गाइस कितना पानी आ चुका है। और फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो पानी आ रहा था बहुत स्लो। अभी मतलब पानी का लेयर जो है बहुत बढ़ गया है, और बहुत दूर तक नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। और कुछ देखने के लिए बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो इस तरह का पानी आया है नीरजना नदी में, बोधगया नदी में। अभी जस्ट छोड़ा हुआ है, तो मिट्टी मिट्टी जैसा है, देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा गाइस बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।